सजदे सर झुका है यारा, मैं क्या करूं कुछ रब दिखता। सो हेलो मेरे भाई लोग, यार अपने प्रीमियम तो देख लूंगा, इस तरह की रील्स है ना इंस्टाग्राम पे मेरे भाई बहुत ही ज्यादा, मेरे भाई बहुत ही ज्यादा ट्रेंड पे चलती रहती है। तो मेरे भाई लोग, इस तरह की रील्स वीडियो कैसे हम एडिट करना, कैसे बनाना, इस वीडियो में तुम्हारा भाई आपको सिखा देगा। बस मेरे भाई वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको पूरा कुछ समझ में आएगा। नहीं तो मेरे भाई आप कहीं पे भी एडिटिंग भूल सकते हो, तो फिर आप बोलोगे भाई मेरे पे ये क्यों नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। तो मेरे भाई इसीलिए मैं बोलता हूँ वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो पसंद आए हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर देना, बेल आइकन को नोटिफिकेशन को ऑन पे जरूर कर लेना। चलो मेरे भाई वीडियो करते बिना देरी स्टार्ट। पहले तो आपको मेरे भाई क्या करना, पिक्सल ऐप एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, जो आपके प्ले स्टोर पे मिल जाएगा वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, एंड मेरे टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, ये लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन हो जाए। चलो यहाँ पे आपको न्यू टेक्स्ट या डिफॉल्ट जो भी लिखा हो उसको आपको डिलीट कर देना। यहाँ पे डिलीट मार्क ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, उसको डिलीट करने के बाद ऊपर साइड आप देख सकते हो थ्री डॉट आइकन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करके यहाँ पे आपको इमेज साइज का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करके यहाँ पे आपको 2000 रख लेना है, या तो आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो 16 एंड यहाँ पे 9, ठीक है, कुछ अपने अकॉर्डिंग कर लेना। बट मैंने ऐसे किया है, यहाँ पे 1280 है ना, तो 1280 रहने दिए, यहाँ पे 2000 रख दिया है। बट आपको ये भी कर सकते हो 9x16, ठीक है, यहीं से भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बट मैंने ऐसे नहीं किया। तो पहले तो मैं जो भी आपका कलर हो रहा है, कलर कुछ बैकग्राउंड का कर दे रहा हूँ, जैसे कि पिक्सल ऐप में दिखता है वैसा ही कर दिया। अब मेरे भाई ऊपर साइड आपको देखने को मिलेगा प्लस का आइकन, उस पर क्लिक करना और यहाँ पे आपको फॉर्म गैलरी पे टैप कर देना। गैलरी से आपने फोटो सेलेक्ट करना है, 2 से 3 फोटो लाना है, जितने आप फोटो इस पर रखना चाहो। जैसे कि मैं देखो अभी रख के दिखा रहा हूँ, जैसे कि एक पबजी की फ़ोटो ले ली, एंड कोई से भी आप पहले इसको छोटा करके यहीं पे मैं रख दे रहा हूँ ऐसा कुछ करके, एंड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इस बॉक्स पे आपको रहने को ध्यान से रहना, इस बॉक्स पे रहना और यहाँ पे आगे आना, और यहाँ पे आपको स्टॉक का आइकन देखने को मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना। फर्स्ट में आपको समझ लेना, ठीक है, फिर नहीं यहाँ पे आपको इसको इनेबल करना है। इनेबल करते हैं, यहाँ पे आपको ब्लैक कलर को चूज़ कर लेना। ब्लैक कलर को चूज़ करने के बाद यहाँ पे आपको 1 प्लस कर देना, मतलब स्टॉक का जो हाइट है ना वो आपको 3 पॉइंट रखना है, ठीक है। इस पर एक बार आपको प्लस पे टैप कर देना, ये 3 पॉइंट हो जाएगा। राइट वाले कॉर्नर पर क्लिक कर देना, ब्लैक वाला रखना, ओके। यहाँ पे ब्लैक था तो मैंने ब्लैक कर दिया, देख सकते हो आप। फिर से आपको यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करना, इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपको मेरे भाई गैलरी से एक और फोटो सेलेक्ट कर लेना, जो कि फ्री फायर की है, या कोई अदर फोटो आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, जो भी आपको मतलब पसंद हो उस वैसी फ़ोटो आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, उसी बॉक्स पर आया, यहाँ पे स्टॉक के आइकन पर आया और यहाँ पे इस पर इनेबल किया, इसको ब्लैक कलर कर दिया और इसको आपको मैंने 3 पॉइंट कर लिया, ठीक है। ऐसे आपको भी कर लेना, और फिर से आपको स्क्रीन पर टच करके इंपोर्ट पर टैप करना, गैलरी पर आ जाना और यहाँ से आपको एक और फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। जैसे कि मैंने, या तो कोई से भी मतलब ये वगैरह किसी भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मैंने ये माँ वाली ले लिए और यहाँ पे मैंने भी इसको तो छोटा करके रख दिया है, देख सकते हो। यहाँ पे फिर से मैं उसी आइकन पे गया और इसका स्टॉक इनेबल किया, और एंड आपको भी ऐसा ही कर लेना है, ठीक है, ध्यान से। तभी मैं बोलता हूँ देखा करो यार, थोड़ा सा ध्यान से देख लिया करो तो समझ में आ जाएगा। एंड ये देख सकते हो कुछ ऐसा हो गया। अब होने के बाद क्या करना, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे टच करना, टच करने के बाद आपको इस वाले आइकन पे आना, ये वाले पे, एंड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा टेक्स्ट का आइकन, इस पर क्लिक करना और न्यू टेक्स्ट पे डबल टैप करना और यहाँ पे रखना। और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे लिख देना है फॉलो वगैरह कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि मैंने लिख दिया फॉलो, ओके, फॉलो लिख दिया। फॉलो लिखने के बाद आपको आगे जाना, फ्रंट के आइकन पर क्लिक करना, देख सकते हो यहाँ से आपको फंड का आइकन देखने को मिलेगा, उस पर क्लिक करके माई फंड पे टैप करना, ये वाला फंड है जो कि मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूँगा, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना। और यहाँ लिखने के बाद इसको, इसका कलर है ना जो आपको कोई से भी रेड वगैरह कुछ भी कलर कर सकते हो, इसको आपको क्या करना, यहाँ से इसका स्टॉक है ना इसको इनेबल करके इसको राइट वाले ऐसे इनेबल कर देना। और इसका आपका 4th पॉइंट है ना वाइट, इसको आपको 2 माइनस कर देना, मतलब 2 पॉइंट रहने देना इसका, ठीक है। और इतना होने के बाद स्क्रीन पर टच करना और आपको फिर से एक बार गैलरी पर जाना है, प्लस पर क्लिक करके फॉर्म गैलरी पर टैप करना और यहाँ से गैलरी से एक एरो मतलब ले लेना, कुछ ऐसा कुछ था जो कि आपको देख सकते हो ऐसा देखने को मिलेगा, वाइट कलर है इसका, अभी मैं रिमूव करके आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना, इस वाले कॉर्नर पे रहना, इस पे आना और यहाँ पे आपको आगे जाना, यहाँ पे आपको मिल जाएगा इरेजर कलर, ठीक है। इस वाले बॉक्स को देख सकते हो जिस पे आदमी टाइप का बना, उसको ऑन कर दो, बस ये रिमूव हो जाएगा, ये देख सकते हो। अब यहाँ पे हमें क्या करना, इसको छोटा करके थोड़ा सा यहाँ पे रख देते हैं, ओके। यहाँ पे रखने के बाद फॉलो हो गया, ये लिखा फॉलो, और यहाँ पे आपको क्या करना, इस आइकन पे आना और यहाँ पे टेक्स्ट के आइकन पे टैप करना, और मेरे भाई यहाँ पे आपको इसको न्यू टेक्स्ट को इधर रखना और डबल टैप करना, और इसको न्यू टेक्स्ट को हटा के यहाँ पे 2 से 3 मतलब कोई दिल वगैरह रख लेते, हार्ट जैसे कि ये रखें, और यहाँ पे फंड के आइकन पे आना मेरे भाई, ये रहा फंड,
वाई फंड पे टैप करना और इस पे आपको इमोजीज वाला फंड चेंज कर लेना, जैसे कि आईफोन वगैरह में आता है ना वो वाला फंड आपको इस पे यूज कर लेना, वो भी मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा, वहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना और डाउनलोड करके इस पे ऐड कर लेना। एंड यहाँ पे 3D शैडो इसका इनेबल कर दो और मेरे भाई राइट वाले कॉर्नर पे क्लिक करके इसका ये वाला लास्ट वाला भी 3D शैडो के जो लास्ट में है ना ये देख सकते हो, आपको ये देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करके इसको भी इनेबल कर देना। ओके, यहाँ पे कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, क्या करना हमने, दिल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे इसको कॉपी करके इधर ऐसे रख देना है, इस पर डबल टैप करो, इस पर कोई दूसरा हार्ड रख लो। एंड यहाँ से मैंने ये रख दिए, ठीक है, कोई से भी आप हार्ड रख सकते हो। अब फिर से इस पर क्लिक किया और फिर से इसको कॉपी कर लिया, कॉपी करने बाद ये आ गया इधर, इधर इसको भी रख दो, इस पर डबल टैप कर दो और यहाँ पे दूसरा हार्ड रख लो दो। ओके, आपको भी ऐसा ही कर लेना है, देख सकते हो जैसे कि मैंने रख दिए। अब मैं इसको बता रहा हूँ आपको क्या करना, ऐसे आपको इस वाले भी एरो मार्क वाले भी क्लिक करना और यहाँ पे इस बॉक्स पे आना और इसको भी कॉपी कर लेना, ये देख सकते हो। एंड ये हो गया, ऐसे आपको तीनों को कर लेना है, ठीक है। तो हम ऐसे हर चीज़ को कर ले रहे हैं। एंड मैंने इस पर फिर से कॉपी किया, इसको यहाँ पर लाया और आपको अपने अकॉर्डिंग अच्छे से मेरे भाई एडजस्ट कर देना है, ठीक है। फॉलो वाले भी कॉपी कर ले रहे हैं, यहाँ पे टेक्स्ट के आइकन पे आना और ये कॉपी देख सकते हो, इस पर क्लिक किया। अब इस पर आपको कुछ और लिखना है ना, पहले मैं अच्छे से इसको सेलेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है, अच्छे से आपको रख देना। एंड यहाँ पे फॉलो है, इसकी जगह इस पर डबल टैप करता हूँ, इसकी जगह कुछ लाइक या शेयर कुछ भी लिख देना, कमेंट वगैरह जो भी आप लिखना चाहो, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ शेयर, ठीक है। ये देख सकते हो, इसको इधर रख दिया मेरे भाई, कुछ हमारा ऐसा देखने को मिल जाएगा। अब फिर से आपको शेयर वाले पे क्लिक करके इसको भी कॉपी करके इसको यहाँ पे लाना और इस पर कोई लाइक वगैरह लिख देना हूँ या कमेंट, जो भी आपको लिखना चाहिए वो लिख सकते हो। एंड ये देख सकते हो, हमारा अच्छे से सेलेक्ट हो चुका है। अब ऊपर हमें क्या लिखना है, यहाँ पे लिख सकते हो आप किसे ज़्यादा पसंद करते हो, किसे ज़्यादा प्यार करते हो, किसके बिना रह नहीं सकते, जो भी आपको मतलब लिखना है उसी हिसाब से आपको टेक्स्ट आइकन पे क्लिक करना और यहाँ पे न्यू टेक्स्ट पे इस पर जो भी लिखना वो लिख सकते हो। ओके, यहाँ पे मैंने ये लिख दिया, यहाँ पे देख सकते हो मैंने लिख दिया आप किसे ज़्यादा प्यार करते हो, यहाँ पे मैंने इसको कॉपी कर रखा था, यहाँ पे मैंने ज़्यादा लिख दिया, ठीक है, ऐसे कुछ। और यहाँ पे ये वाला फंड यूज कर लेना, ये भी फंड मैं आपको अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा। यहाँ पे कलर है ना इसका, आपको ब्लैक कर देना। ओके, कलर वाले बॉक्स पे क्लिक करके इसकी, यहाँ पे मैंने इसको ब्लैक कर दिया और ये देख सकते हो मेरे भाई, कुछ मैंने ऐसा इसको रख दिया। रखने बाद क्या करना, यहाँ पे स्क्रीन पे टच किया और फिर से आपको टेक्स्ट आइकन पे क्लिक करके न्यू टेक्स्ट पे दोबारा टैप करना है। यहाँ पे आपको तीन हार्ड रख लेने हैं, जैसे कि मैंने ये रख लिए, और रखने बाद आपको फंड वाले आइकन पे जाना, माई फंड पे टैप करना, ISU फंड यूज कर लेना, इमोजीज वाला आप लास्ट पे जाना और इन दोनों ऑप्शन को आपको इनेबल कर देना, 3D शैडो इस ऑप्शन को। एंड मैंने भी इसको इनेबल कर दिया, ये देख सकते हो कुछ हमारा ऐसा देखने को मिल जाएगा। आप हमें क्या करना है, यहाँ पे अपनी ID जो भी ID लिखना चाहते हो लिख सकते हो। लिखने के बाद क्या करना मेरे भाई, इस वाले बॉक्स पे क्लिक करना, क्लिक करने बाद ट्रांसलेट वाले ऑप्शन पे टैप करके ऊपर साइड आपको इस बॉक्स पे क्लिक कर देना, ठीक है। या तो ट्रांसलेट पे हम नहीं करते तो इसका हमें क्या करना, कलर देखो कौन सा करना, सॉरी मैं ट्रांसलेट कर दिया था, तो इसको नहीं करना, ट्रांसलेट आपको वाइट कलर इसका सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। वाइट कलर आपको सेलेक्ट करने बाद राइट वाले कॉर्नर पे क्लिक कर देना, इसका बैकग्राउंड का कलर है जो वाइट रखना, इस वाले बॉक्स पे आना और यहाँ पे आपको कलर का बॉक्स देखने को मिलेगा, इससे आपका वाइट कलर कर लेना। अब यहाँ पे हमें क्या करना, उस बॉक्स पे क्लिक करना और यहाँ पे आपको सेव इज इमेज इस वाले बॉक्स पे क्लिक करके इस डॉट पे क्लिक करना और यहाँ पे आपको अल्ट्रा वाले ऑप्शन पे टैप करना और मेरे भाई आपको सेव टू गैलरी पे क्लिक कर देना, ये हमारी सेव हो जाएगी गैलरी पे। यहाँ से इतना होने वाला, अब मेरे भाई क्या ओपन करना, अब हमें ओपन करना अलाइट मोशन। अलाइट मोशन आपके पास नहीं है तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, वहाँ से आपको न्यू वर्जन अलाइट मोशन मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लो, ठीक है। यहाँ पे आपको प्लस पे क्लिक करो और यहाँ पे आपको वाइट बैकग्राउंड रखना है, 9x16 क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको क्या करना, प्लस के आइकन पे टैप करके मीडिया वाले कॉर्नर पे क्लिक करना और यहाँ से आपको एक वीडियो मतलब जो पिक्सल ऐप से हमने एडिट की उसको आपको सेलेक्ट कर लेना, ये देख सकते हो मैंने वाइट किया ना बैकग्राउंड, तो देख सकते हो यहाँ पे भी वाइट है बैकग्राउंड, वहाँ से भी वाइट किया, तो यहाँ से आपको इसको पहले एडजस्ट कर लेना हो, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कुछ मैंने ऐसा रख दिया, तो मैंने बोला था ना वाइट कर लो, तो देखो कितना अच्छा दिख रहा है। यहाँ से आपको क्या करना, प्लस पे क्लिक करके मीडिया वाले कॉर्नर पे जाके एक साउंड वीडियो सेलेक्ट कर लो जिसके हिसाब से हमें इफेक्ट वगैरह लगा सके। यहाँ पे लेयर पे क्लिक करो, ऊपर साइड आपको 3 डॉट देखने को मिलेगा, उस पर टैप करके एस्ट्रेक आइडियो कर दो मेरे भाई। ओके, यहाँ पे एस्ट्रेक आइडियो होने वाले, स्क्रीन पे टच करो और इस वीडियो को डिलीट कर दो और यहाँ पे बचेगा हमारा आइडियो एंड लेयर, लेयर पे क्लिक करो, एंड पे आके और यहाँ पे इस पे टैप कर दो, ये एंड तक हो जाएगा साउंड के हिसाब से। अब मेरे भाई जैसे मैं इफेक्ट बताऊँ वैसे ही आपको यूज करना है इफेक्ट भाई कैप, ठीक है, नहीं तो आप मेरे भाई जो ऊपर नीचे कर दोगे तो इफेक्ट अच्छे से वर्क नहीं करते हैं, मैं बोल रहा हूँ।
यहाँ पे आपको क्लिक करना और इस पे फोटो जो हमने पिक्सेल एक्स एडिट की इफेक्ट वाले आइकन पे क्लिक करके एड इफेक्ट पे टैप करना। यहाँ पे आपको सर्च बार के ऊपर साइड देखने को मिल जाएगा सर्च बार, यहाँ पे आपको सर्च करना पेज कर्ल, ठीक है, पी ए पेज कर्ल आपको सर्च कर लेना, ये वाला इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। इस पर क्लिक करके स्टैंडर्ड सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। यहाँ पे मेरे भाई देखना फर्स्ट में आपको क्या करना, इसका जो मतलब परसेंटेज है उसको आपको कर देना 90 पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ 90.0, ठीक है, 90.90 कर देना, इसको 90 पॉइंट हो जाएगा 90%। तो हमें यहाँ पे एक प्लस का आइकन देखने को मिलेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना। अब लेयर के हमें थोड़ा सा आगे जाना, कम से कम हमें कितना आगे जाना है, 3 मिनट 3 सेकंड तक, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कुछ इतना आगे जाना और यहाँ पे की दे देना और इसको हमें क्या करना, 0 कर देना, ठीक है, बिल्कुल ही 0। एंड ये देख सकते हो कुछ ऐसा हमारा यहाँ देखेगा। तो हमें अब इस पर कुछ छिड़खानी नहीं करनी, इतना होने के बाद ऐसे ही रख दो। एंड मेरे भाई फिर से आपको लेयर पे क्लिक करो और यहाँ से आपको इफेक्ट वाले आइकन पे टैप करो, हाँ यहाँ से आपको एड इफेक्ट पे टैप कर दो, ठीक है। अब यहाँ से हमें कौन सा इफेक्ट यूज करना है ये भी देख लो। अब हमें सुपर सर्च बार पे क्लिक करना, यहाँ पे सर्च बार पे क्लिक करना और यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो या तो नहीं, आपको सर्च में यहाँ से आपको क्या करना, इस वाले इफेक्ट इस पर क्लिक करना, मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पे इस पर क्लिक करना और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा ये वाला इफेक्ट, देख सकते हो ये आपका इफेक्ट और OSCS से कुछ वाला ये इफेक्ट है, इसको आपको देख लो। इस पर क्लिक करना और यहाँ पे स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक कर दो, ठीक है। यहाँ पे क्या करना, अब इस इफेक्ट को हम ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद देखो यहाँ पे आपको फर्स्ट में हैंगल दिखेगा, हमें उस पर कुछ छेड़खानी नहीं करी, फ्रीक्वेंसी वाले ऑप्शन पे आना और यहाँ पे आपको इसको 10 पॉइंट तक कर देना, ठीक है। जैसे कि मैं करके दिखा रहा हूँ आपको 10.00, ठीक है, 10.00, ठीक है, 10.00HJT कुछ, इसको आपको इतना कर लेना है फ्रीक्वेंसी को, ये देख सकते हो मेरे भाई, आपको भी इतना करना और यहाँ पे प्लस का आइकन देना और लेयर के आपको 3 पॉइंट तक ही जाना है, जितना मैं पहले भी गया था उतना ही गया, देख सकते हो ये मैं उतना ही गया और इसको हमें क्या करना है, 0 कर देना है, ठीक है। 0 करने के बाद यहाँ पे आपका एक की लग जाएगा ऑटोमेटिकली वहीं पे, देख सकते हो, या नहीं लगे तो आपको कर लेना, देख सकते हो लग ही जाएगा 0 करोगे। अब लेयर के फर्स्ट में आना और इसको मैग्नीट्यूड का ऑप्शन देखने को मिल जाए, ये आपको देखने को मिल रहा है मैग्नीट्यूड जितना है हमें उससे थोड़ा सा भी कम कर सकते हैं, 15 पॉइंट तक रखना है, ठीक है, आपको मैग्नीट्यूड 15 पॉइंट तक रखना है मेरे भाई, ठीक है, 15 पॉइंट तक रखना मैग्नीट्यूड। एंड इतना होने के बाद फिर से बैक होना, फिर से इफेक्ट पे क्लिक करके एड इफेक्ट पे क्लिक करना, सर्च बार पे कॉर्नर पे क्लिक करना, WAVE वेव बार इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, ये इफेक्ट पे क्लिक करना और यहाँ पे स्टैंडर्ड सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इस इफेक्ट को ऑन करते हैं वेव बार पे और यहाँ पे आपको फेस वाले ऑप्शन पे फर्स्ट में की दे देना, यहाँ पे मैं की दे देता हूँ और एंड यहाँ पे क्या करना, यहाँ से की नहीं देना, ठीक है, यहाँ से पहले की हटा ले, यहाँ तक हम जाते हैं कम 3 पॉइंट तक, ठीक है, आपको 3 पॉइंट तक जाना है, यहाँ पे हमें 3 पॉइंट तक जाना। अब यहाँ पे हमें की दे देते हैं और मेरे भाई आपको इसको क्या करना, 1.9 कर देना, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1.99, राइट वाले कॉर्नर पे क्लिक करके एंड पे जाता हूँ। अब इसको हमें 0 कर देना है, ठीक है, यहाँ पे की लग ही जाएगा अपने ऑटोमेटिक, जैसे हम इसको 0 करेंगे तो की लग जाएगा। अब नीचे आना है यहाँ पे, ये मैग्नीट्यूड, इसको आपको क्या करना, आपको इसको करना है 2 पॉइंट तक, एंड मैंने इसको 2 पॉइंट कर लिया, इसको आपको स्पेसिंग को आपको 1.5 कर लेना है, ठीक है, 1.5, एंड मैंने कुछ इसको इतना ही कर लिया, स्पेसिंग को 1.5, मैग्नीट्यूड को 2 पॉइंट। अब बैक होते हैं, अब लेयर के फर्स्ट में आते हैं, कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा, देख सकते हो। अब क्या करना, फिर से इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एड इफेक्ट पे टैप करके सर्च बार पे क्लिक करना। अब यहाँ पे आपको सर्च करना STRI, ठीक है, स्ट्रिप्स वाला इफेक्ट ना जो आपको सर्च पे ये वाला देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करके स्टैंडर्ड सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, ठीक है। अब हम इस इफेक्ट को ऑन करते हैं स्ट्रिप को, एंड मेरे भाई ये देख सकते हो आपको क्या करना है, इसको आपको 4th पॉइंट तक कर लेना, ठीक है, इसको हमें क्या करना, 4th पॉइंट, ठीक है, 4 पॉइंट, एंड इसको आपको 4th पॉइंट कर लिया। फर्स्ट में काउंट वाले को, विथ वाले को आपको कर लेना है 10 पॉइंट, ठीक है, 0.10। एंड देख सकते हो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा 0 पॉइंट, और यहाँ पे एंगल को कुछ छेड़खानी नहीं करनी, पेस वाले ऑप्शन पे आपको देखना है, इस पर क्लिक करना और इस पर आपको एक की दे देना, ठीक है, यहाँ पे मैं एक की देता हूँ और इसको आपको 3 पॉइंट तक बढ़ा लेना है, ओके, यहाँ पे मैं 3 पॉइंट तक बढ़ा लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट तक बढ़ा लिया। अब एंड तक जाते हैं एंड में, और यहाँ पे इसको हमें क्या करना, एक की देना और इसको हमें 0 कर देना, ठीक है, मैंने इसको भी 0 कर दिया। अब मेरे भाई क्या करना है, यहाँ पे आपको कलर का बॉक्स देखने को मिलेगा, इस पर आपको वाइट कलर चूज़ कर लेना
और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा स्मूथिंग, इसको आपको 30 पॉइंट तक कर लेना, 0.030, ठीक है। आपको कुछ मेरे भाई इतना ही करना, एंड मेरे भाई वीडियो पसंद आती जाए तो लाइक से सब्सक्राइब कमेंट एंड नोट सब्सक्राइब भी कर लेना, पसंद आए तो अभी करना मेरे भाई, नहीं तो डिसलाइक करके भी चले जाना। फिर से आपको लेयर पे क्लिक करके इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, एंड मेरे भाई एक इफेक्ट है ना, एड इफेक्ट पे टैप करना, अभी एक इफेक्ट बाकी है। सर्च बार पे क्लिक करना GLO ग्लो स्कैन, ठीक है। आपको ग्लो स्कैन जैसे आप सर्च करोगे ये वाला इफेक्ट देख लेना जिस पे लड़की वगैरह है, उस पे क्लिक करके एंड इस पे कर देना स्टैंडर्ड सेटिंग पे। अब मेरे भाई क्या करना, आपको इसको ओपन करना है। फर्स्ट में आपको थ्रेस्ट होल पे फर्स्ट में आपको एक की देना है, एंड यहाँ पे मैंने की दिया। अब लेयर के 1 पॉइंट तक आता हूँ, इसको मेरे भाई देख सकते हो लेयर के मैं को इतना पॉइंट तक आ चुका हूँ, आपको भी देख लेना। अब मेरे भाई इसको क्या करना, हमें जीरो कर देना है, ठीक है, जीरो कर देना। अब लेयर के 2 पॉइंट तक आते हैं, देख सकते हो मैं 2 पॉइंट तक आया, यहाँ पे की दे दो, इसको फिर से आपको 50 पॉइंट कर लेना, 0.50, ठीक है, 0.50। अब लेयर के 4th पॉइंट तक जाना है मेरे भाई, 4th पॉइंट तक ये देख सकते हो, यहाँ पे मैं गया, इसको आपको फुल कर देना है, ठीक है, फुल। मेरे भाई ये देख सकते हो हमारी वीडियो बनके रेडी हो चुकी है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर देना मेरे भाई, नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना। और ये देख सकते हो यहाँ पे सेव करने के लिए इस वाले बॉक्स पे क्लिक करके, यहाँ पे इस बॉक्स पे क्लिक करके एक्सपोर्ट वाले आइकन पे क्लिक कर देना, ये देख सकते हो हमारी वीडियो एक्सपोर्ट भी होने लगी है।